जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास कार्यों को लेकर एनेक्सी भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के ग्राम विकास व पंचायत कार्यों की वीडियो एडीओ पंचायत व एनएआरएलएम के साथ बैठक करके समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि गाँव को विकसित करने के लिए जो भी कार्य चल रहे थे उसमें अच्छी प्रगति हुई है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले जो आवास पूर्ण है उसको पूरा व व्यक्तिगत शौचालय सामुदायिक शौचालय के कार्यों को पूरा करने के लिए कराने के लिए निर्देश दिया गया है और मनरेगा के तहत जो भी पैसा बकाया है उसका भुगतान ऑनलाइन फीडिंग करके भुगतान करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है और गांव में कार्यों को मिशन चलाकर पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, क्या दिक्कत है? ये 9% कब तक रहा? और अब तो बाजू का बड़े नाटक प्रपोज किया है मेडिकल का, अपना काम हो गया सारा, वाउचर भी दे दो। आप इंटरनल नरेगा की गई थी मोहल्ले में अच्छी जगह के नरेगा कर दीजिए, ठीक है? वो जिम्मेदारी 60-40 रुपये ग्राम पंचायत जी की है बनता है। देखियो एक काम दिएगा भाई तो बना, और 3 करोड़ में आपका 69 करोड़ खर्च है, 69 लाख खर्च है सर। अभी मैं नरेगा की पहला फसल थोड़ा बात तो सभी ब्लॉक है, उसके बाद भी सर यहाँ पर 9% 10% के आसपास मटेरियल का सर, तो अभी मैं 40% के आसपास ले जाएंगे सर। इसी तरह से चकमा भी सारी बना रहे सर, यहाँ पर भी 13% है, ब्रह्मपुर में 11% लेवल से हुए हैं, उनमें भी आप लोग मटेरियल गिरवा करके और काम शुरू करा दीजिए और उसके बावजूद तो आप लोग फिट कराइए। टेंडर निकालना तत्काल टेंडर निकाल दीजिए, 7 दिन का टेंडर निकाल दीजिए, हो जाएगा सर, मटेरियल का कंजेक्शन हमारा हो जाएगा सर। कल बीसी हुई थी उसमें भी यही बताया गया है कि स्टेट में इस साल 1/3 मटेरियल का पिछले साल की अपेक्षा हुआ है, तो सर हमारी स्थिति और खराब है। जनपद सिद्धार्थ नगर हमसे बहुत अच्छा है, 40% हमारा कर लिया है। संपत्तियों में सर मटेरियल में ये जो बर्मी नाटक प्रपोज रहा है, इसके अलावा जो पशु सेट, अभी जो पशु सेट बोर्ड सेट के लोग सर बहुत नगर बनाए हैं, आप लोग बताएंगे वो भी संक्षिप्त में बताएंगे, वो नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिएगा। एएमएम की गतिविधियाँ हो या एआरओ के रूप में आप लोगों ने भूमिका निभाई हो, सभी स्तर पर मुझे वीडियोस की उपस्थिति और वीडियोस की कार्यकुशलता प्रदर्शित हुई, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये अच्छा दर्शाता है कि अगर आप लोग स्वामित्व लेंगे तो क्या क्या मुमकिन है। अभी मार्च महीने में बहुत प्रमुख है कि आप कुछ हाउस कीपिंग एक्सरसाइज पूरा करा लें, फील्ड एक्सरसाइज पूरा करा लें, और इसी संबंध में आपके आपसे प्रस्तुतिकरण चाहूँगा। सबसे पहले आप मनरेगा के बताएंगे मुझे कि आपके प्रत्येक संपत्ति, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, नादेल कंपोस्ट हो, खेल मैदान, चारागा, मुर्गी पालन, गोशेड, काउशेड, डिमांड कैप्चरिंग में हमने क्या किया, स्कूल और अंगनवाड़ी कार्यक्रम में, ओशन वाटिका, तालाब निर्माण, सड़क, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, बाउंड्री वॉल और सोता गड्ढा, इनमें क्या आपकी प्रगति है, ये आप बताएंगे मुझे कि आपका इस माह तक क्या लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं और कैसे उसको पूरा करने की रणनीति बना रहे हैं, संक्षिप्त में आप बताएंगे, कोई समस्या है तो वो भी बताएंगे। फिर परफॉर्मेंस ग्रैंड के गांव में आपने क्या भ्रमण किया है, क्या उसकी उसके बारे में समीक्षा ली है, जो 40 गाँव और हमने लिए हैं ठोस प्रबंधन अवशिष्ट प्रबंधन जिसमें अभी तक प्रगति नहीं हो रही है उसके बारे में आप बताएंगे, आवास योजना में आपकी क्या प्रगति है वो बताएंगे, जब आप बताएंगे तो आपकी टीम भी खड़ी होगी और मुझे देखना है, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। आज आपकी परीक्षा है, गाँव में गवर्नेंस फेल्यूर हो रहा है, और गाँव में गवर्नेंस फेल्यूर इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लॉक में गवर्नेंस फेल्यूर हो रहा है। ये गवर्नेंस में आपने क्या किया है,
गुड मॉर्निंग सर। सर 15 गरीब परिवारों को 100 डेज कार्य की प्रगति के बारे में खंड विकास अधिकारी गण और हमारे एडीओ पंचायत गण सभी एनआरएलएम की टीम के साथ ग्राम विकास के और पंचायत के कार्यों की समीक्षा ली गई। अभी जितने भी संपत्तियां गांव में सृजन के लिए डिमांड कैप्चरिंग के लिए हमने कार्ययोजना बनाई थी उसमें अच्छी प्रगति हुई है और अभी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले सभी आवास जो पूर्ण हैं उसको पूर्ण कराने के लिए जो व्यक्तिगत शौचालय सामुदायिक शौचालय उसको पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मनरेगा के तहत जितने भी मस्टर रोल पेंडिंग हैं मटेरियल के बिल पेंडिंग हैं उसका ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित करके देनदारियां भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया और गाँव में संपत्तियों को मिशन मोड पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।